एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम फेराया नाम के एक लेडी को देखते हैं जो डीप नाइट क्लब की ओनर है। इस वक्त मिस फेराया एरियल डांस कर रही होती है क्योंकि कुछ लोग उनके क्लब के सिलसिले में उनका इंटरव्यू लेने आए होते हैं। इंटरव्यूअर मिस फेराया से उनके डांस फॉर्म के बारे में पूछता है। मिस फेराया बताती है कि वो जो डांस कर रही थी उसे एरियल डांस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज होता है, जैसे कि सिल्क, हुप्स, स्ट्रैप और भी बहुत सारी चीज़ें। आगे मिस फेराया अपने डीप नाइट क्लब के बारे में बताते हुए कहती है कि हर शुक्रवार उनके क्लब में एरियल शोज, एरियल पोल शो और एरियल स्ट्रैप शो होते हैं। इसी तरह वो अपने क्लब की कुछ और तारीफ करती है और सभी व्यूअर्स को एक बार उसके बार में आकर इंजॉय करने को बोलती है। मिस फेराया का लाइव इंटरव्यू जापान नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट अपने फ़ोन में देख रहा होता है। वो अपने फ़ोन में डीप नाइट क्लब के बारे में सर्च करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि ये एक होस्ट क्लब है। आगे हम इस कहानी के पहले मेन लीड खीमटित से मिलते हैं, जो यूनिवर्सिटी में काफ़ी पॉपुलर है। जब भी वो कहीं जाता है तो लड़कियां एक बार तो उसे ज़रूर पलट कर देखती हैं। हमेशा की तरह एक लड़की खीमटित के लिए कुकीज लेकर आती है और शर्माते हुए उसे देने की कोशिश करती है, पर खीमटित मना करके चला जाता है और अपने दोस्त जापान के पास आता है। जापान खीमटित को फ्रेंच फ्राइज देता है जो उसने इंजीनियर फैकल्टी के बॉयज से लिया था। खीमटित जापान को थैंक यू बोलता है और रेड सोडा के साथ खाने लगते हैं। जापान को ये चीज़ अजीब लगती है कि कोई फ्राइज और सोडा एक साथ कैसे खा सकता है। फिर भी वो खीमटित को उसे एक बार टेस्ट कराने को बोलता है, पर खीमटित टेस्ट कराने से इनकार कर देता है। इस छीना झपटी में फ्राइज उड़कर एक लड़के के तरफ चला जाता है, जो कब से इनके हरकतों से परेशान हो रहा था। तो मिलते इस कहानी के दूसरे मेन लीड वेला से, जो बेचारा चुपचाप अपनी पढ़ाई में बिजी था, पर इनके हल्ले की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था। वेला फ्राइज उठाता है और गुस्से में खीमटित को देते हुए उसे थैंक यू बोलता है स्नैक्स देने के लिए और इतनी शोर करके उसे परेशान करने के लिए। उसके बाद वेला अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी खीमटित उसे परेशान करने के लिए मैसेज करता है कि अगर उसे शांति चाहिए तो उसे पार्क जाना चाहिए। वेला आखिरी बार खीमटित को गुस्से वाला लुक देकर वहाँ से चला जाता है। खीमटित को देखकर ऐसा लगता है जैसे वेला को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद सभी लोग अपने क्लासेस में चले जाते हैं। खीमटित और वेला एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों एक ही बिजनेस फैकल्टी के स्टूडेंट भी होते हैं। टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तब खीमटित अपने मोबाइल में बिजी होता है। टीचर बच्चों को समझा रहे होते हैं कि इस वक्त या फिर आने वाले समय में कौन सा बिजनेस बहुत चलने वाला है। इसके लिए वो सभी से पूछते हैं कि बाहर कौन कौन जाता है, जिनमें से कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं, उसी में से एक स्टूडेंट वेला भी होता है। टीचर उन बच्चों से सवाल करते हैं कि बार और क्लब बिजनेस में कौन कौन स्टूडेंट इन्वेस्ट करना चाहता है। वेला हाथ उठाता है और इस सवाल का जवाब देता है। वेला का नाम सुनते ही खीमटित का ध्यान उस पर चला जाता है। वेला के अनुसार बार जैसे बिजनेस को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है और यहाँ अल्कोहल को भी सपोर्ट मिलता है, इसलिए इन बिजनेसेस के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में अल्कोहल बेवरेज की डिमांड्स भी बढ़ने वाले हैं। सभी लोग वेला के आंसर से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। टीचर भी वेला की तारीफ करते, पर खीमटित का मानना कुछ और ही होता है। उसे नहीं लगता है कि ये बिजनेस उतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स के बहुत बार्गेन करने के चांसेस होते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए बहुत लोगों को भी जॉब पर रखना पड़ता है, और ऐसा भी होता है कि कोई भी कस्टमर्स एक ही बार में बार बार नहीं जाते हैं, और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सिर्फ प्रीमियम लिकर बनाने में फोकस करते हैं, जिससे अल्कोहल कंजप्शन करने वाले कस्टमर की संख्या कम हो रही है। वेला के पास खीमटित के प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन होता है। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों बॉक्सिंग रिंग में खड़े होकर लड़ रहे हैं। आखिरकार टीचर को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ता है। टीचर स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक पर असाइनमेंट लेकर आने का काम दे देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जापान खीमटित को टीच करते हुए कहता है कि वो वेला को उसी तरह परेशान कर रहा था जिस तरह बॉयज अपने क्रश को परेशान करते हैं। तभी वेला को उसके आंटी का मैसेज आता है ये बताने के लिए कि आज वो उसकी माँ के क्लब जाएगी। जी हाँ, मिस फेराया जो
जो डीप नाइट क्लब की मालकिन है खेमतीद उनका ही बेटा है। मैसेज पढ़ते ही खेमतीद का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसकी आंटी उसके माँ की बुराई करने लगती है कि उन्होंने इस तरह का क्लब क्यों खोला। खेमतीद को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। खेमतीद जापान से कहता है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा, जिस पर जापान कहता है कि खेमतीद कहीं पर भी चली जाए वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि खेमतीद के घर पर मिस फेराया का असिस्टेंट लूसी क्लब में यूज किए जाने वाले कपड़े चेक कर रहा होता है, जिसमें से शॉप वालों ने 2 कपड़े नहीं भेजे होते हैं। लूसी वर्कर्स को धमकी देता है कि अगर कल उनके शॉप वालों ने कपड़े क्लब नहीं भेजा तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। उसके बाद वो सभी को भेज देता है। तभी मिस फेराया वहाँ आती है और लूसी से कपड़ों के बारे में पूछती है। लूसी उनको सारी बात बता देता है और अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो आज भी क्लब जाएगी। अगर वो एक रात अपने क्लब नहीं जाएगी तो उनका क्लब गायब नहीं हो जाएगा। मिस फेराया खेमतीद को याद दिलाती है कि वो उसकी माँ है और उन्होंने इस तरह से उसे बात करना नहीं सिखाया। खेमतीद अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, वो बस नहीं चाहता है कि उसकी माँ रात को काम करने जाए, उनके लिए ये सेफ नहीं है। मिस फेराया खेमतीद की टेंशन को दूर करते हुए कहती है कि वहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं और वैसे भी फ्यूचर में ये क्लब खेमतीद को ही मिलने वाला है। खेमतीद कहता है कि अगर उन्होंने उसे क्लब दिया तो वो उसे रेस्टोरेंट बना देगा। तभी लूसी वहाँ आता है और खेमतीद को प्रॉमिस करता है कि अगर किसी ने भी मिस फेराया को परेशान किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। रात को खेमतीद की आंटी क्लब के सामने खेमतीद का इंतजार करते हुए जो भी वहाँ आता है उसे देखकर मुंह बनाते रहती है। तभी खेमतीद भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उन्हें अंदर ले जाता है। उसकी आंटी जब टॉयलेट जाती है तब खेमतीद दाई के पास जाता है जो उसी क्लब में काम करता है वो, और वो खेमतीद को पहचानता है कि वो मिस फेराया का बेटा है। खेमतीद दाई से पूछता है कि यहाँ पर कोई उसे पहचानता तो नहीं है ना, वो किसी को भी उसके बारे में बताने के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो दाई को बताता है कि उसे अपनी आंटी की वजह से आज यहाँ आना पड़ा। खेम को भी नहीं पसंद जब उसकी आंटी यहाँ आती है क्योंकि उनका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हर किसी चीज़ में खामियाँ ही निकालते रहती है। उसके बाद दाई खेमतीद को वहीं पर वेट करने को बोलकर स्टेज पर चला जाता है क्योंकि आज शुक्रवार है तो हर बार की तरह आज भी उनके यहाँ स्पेशल शो होने वाला है। खेमतीद भी शो देखने आ जाता है। एक एक करके लड़के अपना प्रोग्राम करते हैं पर जिसने खेमतीद का ध्यान अपनी ओर खींचा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वेला होता है जो डीप नाइट क्लब में ही काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं वो उस क्लब का नंबर 1 परफॉर्मर है। खेमतीद वेला की परफॉर्मेंस में पूरी तरह खो जाता है। अपनी आंटी की वजह से उसे बिना पूरा परफॉर्मेंस देखे ही आना पड़ता है। उसकी आंटी खेमतीद को उनके साथ उनके मेन घर चलने को कहती है और प्रॉमिस करती है कि खेमतीद को वो सब कुछ दिलाएगी जो उसे चाहिए। आंटी कहते हैं कि भले ही खेमतीद अपने माँ के साथ रहता है पर अभी भी वो उनके खानदान ऋतप्रेशा का बेटा है। खेमतीद को ऐसी गंदी जगह पर रहना नहीं चाहिए। ये सुनकर खेमतीद को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर उसके यहाँ रहने से उन्हें प्रॉब्लम है तो उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और अपना खुद का बच्चा कर लेना चाहिए, वो उनके साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। आंटी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लासरूम में खेमतीद वेला को ही देखते रहता है और सोचता है कि क्या कल वाला लड़का सच में वेला ही था। वो खुद को और वेला को स्टेज पर एक दूसरे को किस करते हुए इमेजिन करने लगता है। तभी जापान वहाँ आता है और खेमतीद को उसके सपनों से बाहर लाता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ असाइनमेंट के लिए जोड़ी बनाएगा। दरअसल टीचर ने सभी को पेयर वर्क दिया होता है। खेमतीद बिना उसे जवाब दिए वेला के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने असाइनमेंट के लिए पार्टनर ढूंढ लिया है। वेला उसे इग्नोर कर देता है, इसलिए खेमतीद उसके कान में आकर कहता है कि वेला को उसे बात करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वेला उसे गुस्से में घूरने लगता है। क्लास खत्म करके खेमतीद अपने माँ के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि वो उस फैमिली के टच में क्यों रहना चाहती है, उन्हें उन लोगों का ब्लॉक कर देना चाहिए। जिस पर मिस फेराया कहते हैं कि वो लोग खेमतीद की फैमिली है पर खेमतीद का मानना होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा रूड है और हमेशा उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं। मिस फेराया खेमतीद की इन सारी शिकायतों को इतनी बार सुन चुकी होती है कि अब तो उन्हें भी पता होता है कि खेमतीद आगे क्या कहने वाला।
इसलिए वही उसकी बातों को पूरा कर देती है। उसके बाद वो खेमतित से पूछती है कि उसे बाहर जाकर कैसा लगा। वो फ्यूचर में बार उसे ही देने वाली है। मिस फेराया खेमतित को वहाँ पर इंटर्नशिप करने को कहती है। उन्हें यकीन होता है कि एक दिन खेमतित को बार जरूर पसंद आएगा। खेमतित वेला के बारे में सोचकर इंटर्न की जॉब करने के लिए मान जाता है। रात तक क्लब में ये बात फैल जाती है कि आज से कोई नया लड़का उन्हें ज्वाइन करने वाला है, पर उन्हें भी अभी तक ये नहीं पता कि वो कौन सा काम करने वाला। वो लोग बस प्रे करते हैं कि वो लड़का होस्ट ना हो, नहीं तो उन सभी की जॉब्स खतरे में जा सकती है। ग्रेट खेमतित के लुक्स की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगता है, तभी वेला भी वहाँ आ जाता है। ग्रेट वेला से पूछता है कि उसने आते वक्त नया इंटर्न को देखा कि नहीं। वेला ना बोलकर वहाँ से चला जाता है। ग्रेट सोचता है कि वेला को इन सब से क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो वैसे भी इस क्लब का नंबर वन परफॉर्मर है। वेला जैसे वॉशरूम में एंटर करता है, वहाँ पर खेमतित को देखकर वो चौंक जाता है कि खेमतित प्राइवेट एरिया में क्या कर रहा है। वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है, नहीं तो वो गार्ड से उसकी शिकायत कर देगा। जिस पर खेमतित भी कहता है कि अगर वेला ने उसकी शिकायत की तो वो भी यूनिवर्सिटी में टीचर से उसकी शिकायत कर देगा कि वो इस जगह पर काम करता है। वेला को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। और वैसे भी अगर खेमतित किसी से भी कुछ कहता है तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो भी ऐसी जगह पर घूमने आता है। वो खेमतित के करीब आकर पूछता है कि उसे यहाँ पर क्या पसंद है, वो उसे दिलाने में उसकी हेल्प कर सकता है और कुछ चीज़ें रिकमेंड भी कर सकता है। खेमतित उसे बता देता है कि वो यहाँ घूमने नहीं आया है बल्कि वो भी यहाँ काम करता है। उसके बाद दाई खेमतित को सभी से मिलवाती है। मिस फेराया खेमतित को ट्रैफिक असिस्टेंट गार्ड की पोजीशन देती है, जो कस्टमर्स की गाड़ियों को पार्क करवाने में हेल्प करेगा। वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी सभी लोग बाहर आते हैं। जेम्स खेमतित को बताता है कि उसे सारी गाड़ियों को बार के सामने नहीं बल्कि साइड में पार्क करवाना चाहिए। खेमतित ऐसा ही करता है, वो अपने काम में बिजी हो जाता है। ग्रेट को यकीन ही नहीं होता है कि इतने हैंडसम लड़के को ट्रैफिक असिस्टेंट बना दिया गया है। वेला को लगता है कि खेमतित यहाँ पर सिर्फ मस्ती करने के लिए आया है, वो कल से काम पर नहीं आएगा, इसलिए वो सभी को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। खेमतित पानी पीने के लिए बैठा ही होता है कि तभी दूसरी गाड़ी आ जाती है, वो फिर से काम पर लग जाता है। मिस फेराया ये सब देखते रहती है। उन्होंने जानबूझकर खेमतित को काम दिया होता है ताकि जब उसे बाद में क्लब संभालना पड़े तो वह घबराए नहीं और इस तरह नीचे से काम करके वो खुद का कनेक्शन भी बना सकता है। दाई को खेमतित के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो देख पाती है कि कैसे खेमतित की बॉडी पेन कर रही है। इसलिए मिस फेराया दाई को खेमतित को मसाज वाउचर्स देने को कहकर वहाँ से चली जाती है। पूरी रात काम करने की वजह से अगले दिन खेमतित की पूरी बॉडी दर्द देने लगती है और उसे नींद भी आती है। खेमतित को जमाई लेता देख जापान पूछता है कि वो पूरी रात क्या कर रहा था। खेमतित झूठ बोलता है कि वो पूरी रात फुटबॉल खेल रहा था, पर जापान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसके बाद जापान वॉशरूम चला जाता है। उसी वक्त वेला वहाँ आता है। खेमतित उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता और पूछता है कि क्या वो उसे बातें नहीं करेगा, उसे केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो वो लोगों को बता देगा कि वो कल रात क्या कर रहा था। जिस पर वेला कहता है कि वो वहाँ काम करने जाता है ना कि मस्ती करने, इसलिए खेमतित जो करना चाहता है जिसे बताना चाहता है बता सकता है। इतना कहकर वेला चला जाता है। तब तक जापान भी वापस आ चुका होता है। खेमतित फिर से वापस से सोने चला जाता है। बार में सभी लोग शाम के शो के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहीं वॉल पर सभी होस्ट की फोटो लगी हुई होती है और उसके नीचे बार के कुछ नियम लिखे हुए होते हैं। नियम के अनुसार एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने की मनाही है। खेमतित ग्रेट से इस रूल के बारे में पूछता है कि यहाँ पर डेट करना अलाउ क्यों नहीं है। इस पर जिम बस इतना कहता है कि उसे सच में यहाँ पर किसी को डेट नहीं करना चाहिए, पर ग्रेट जेम्स से मजाक में कहता है कि वो तो उसे डेट करना चाहता है। जेम्स भी मजाक में ही ग्रेट को उसके साथ नहाने के लिए इनवाइट करके वॉशरूम में चला जाता है। ग्रेट भी खुशी खुशी उसके पीछे जाता है।
खेमतीन अपनी ड्यूटी कर रहा होता है कि तभी एक लड़की जो अपने मोबाइल में बिजी होती है उस वजह से वो खेमतीन से टकरा जाती है, जिससे उसकी सैंडल टूट जाती है। खेमतीन की कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी वो लड़की खेमतीन पर गुस्सा किए जाती है, जिससे खेमतीन को भी गुस्सा आ जाता है। इससे पहले बात आगे बढ़ती, वेला वहाँ आ जाता है और बात को संभाल देता है। वो उस लड़की से उसका सैंडल ले लेता है और उसे ठीक कराने को कहता है। उसके बाद वो चेक करता है कि कहीं उसे ज़्यादा लगी तो नहीं है। वो खेमतीन की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है और उस लड़की को अंदर ले जाता है। इन सब से खेमतीन का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। वो भी उनके पीछे जाने वाला होता है कि तभी केन वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन खेमतीन मना कर देता है और केन से पूछता है कि क्या यहाँ के एम्प्लॉय कस्टमर के साथ बाहर जाते हैं। केन समझ जाता है कि खेमतीन वेला के बारे में बात कर रहा है। वो खेमतीन को बताता है कि वेला एक रात का ही इतना कमा लेता है कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि वेला उसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए कार तक ले जाने लगता है। वो लड़की थोड़े नशे में होती है और वेला से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगने लगती है। तभी खेमतीन वहाँ आता है। वो लड़की खेमतीन को देखकर चिढ़ने लगती है कि अभी तक उसे किसी ने काम से निकाला क्यों नहीं। खेमतीन उस लड़की को जाने से पहले अपना कार चेक करने को बोलता है। वो लड़की देखती है कि उसके कार के टायर की हवा निकल गई है। वो गुस्से में खेमतीन पर चिल्लाने लगती है। खेमतीन उस लड़की के लिए ऑटो मंगवाता है और उसी में बैठा कर उसे भेज देता है। वेला खेमतीन को समझाता है कि उनके इन हरकतों की वजह से बार अपने कस्टमर्स खो देगा, जिस पर खेमतीन कहता है कि इस बार को अपने कस्टमर्स ध्यान से चुनना चाहिए। वेला को टेंशन होती है कि आज का बिल अब कौन पे करेगा। खेमतीन उसे टिप देने को बोलकर वेला को अपने साथ बाहर नूडल शॉप पर खाने ले जाता है। वेला को देखकर खेमतीन कहता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लुक से बिल्कुल अलग दिखता है, वो इस वक्त बहुत सेक्सी लग रहा है। वेला समझ जाता है कि खेमतीन की नज़रें कहाँ जा रही है, इसलिए वो खेमतीन को अपना खुद का गोल्डन रूल बताता है, जिसके अनुसार वो कुछ भी काम फ्री में नहीं करता है, हर काम के बदले उसे कुछ वापस चाहिए। ये सुनकर खेमतीन स्माइल करने लगता है। उसके बाद दोपहर में उसने वेला को जो भी धमकी दी थी उसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है। वो बस उससे मजाक कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि वेला को बुरा लग जाएगा। वेला भी बदले में उससे बुरी बात कहने के लिए माफ़ी मांगता है। उसे नहीं पता था कि खेमतीन अपने काम को लेकर इतना सीरियस है और वो भी यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से दिखता है उससे बिल्कुल अलग है। वेला उठकर कहीं जाने लगता है कि खेमतीन उसे पकड़कर अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है कि अगर वेला को समझना है कि वो सेम इंसान है कि नहीं, तो वेला को उसे और करीब से देखना होगा, या फिर वेला को जब पैसे मिलते हैं वो तभी अच्छे से बात करता है। वेला खेमतीन से दूर होता है, तभी बाकी के होस्ट भी वहाँ आ जाते हैं और वेला और खेमतीन को देख कर उनके साथ ही खाने बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैक्सी वाला जापान को डीप नाइट क्लब के बाहर लेकर आ जाता है। जापान की जब नींद खुलती है तो वो टैक्सी वाला पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने टैक्सी वाले को उसके घर का पता दिया था, ना कि क्लब का। जबकि टैक्सी वाले का कहना होता है कि जापान ने उस इसी जगह का एड्रेस दिया था। तभी जापान की नज़रें वेला और खेमतीन पर जाती है, जो क्लब के अंदर जा रहे होते हैं। वो उन्हें देख कर काफ़ी सरप्राइज होता है। उसके बाद टैक्सी वाला उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर वेला खेमतीन को उनके जो भी डील हुई थी उसे याद रखने को कहता है। यूनिवर्सिटी में जब तक जरूरी नहीं होगा तब तक खेमतीन उससे कोई बात नहीं करेगा, वो लोग अपनी लाइफ अलग जिएंगे। खेमतीन पूछता है कि ये सब करने के बदले में उसे क्या मिलेगा। वो बदले में वेला को उसके गाल पर किस करने को कहता है। वेला खेमतीन के पास आता है, ऐसा लगता है जैसे वो सच में खेमतीन को किस करने वाला है, पर वो उसके गाल पिंच करके वहां से चला जाता है। खेमतीन वहीं खड़े होकर मुस्कुराते रहता है, उसके बाद वो भी अंदर चला जाता। हम देखते हैं कि रात को बार में काम करने की वजह से खेमतीन को फिर से अगले दिन कॉलेज में नींद आने लगती है। जापान उससे पूछता है कि क्या वो फिर से कल रात फुटबॉल खेल रहा था या फिर वो कुछ और कर रहा था। खेमतीन उसके सवालों का जवाब नहीं देता है। उनके पीछे ही वेला भी पढ़ाई कर रहा होता है। खेमतीन वेला की ओर देखते हुए जापान से पूछता है कि उसने मल्टीवर्स के बारे में
कभी सुना है, जहाँ ऐसा लगता है जैसे आप किसी पर्सन के बहुत करीब है, पर दूसरे मल्टीवर्स में वो पर्सन आपका अजनबी बन जाता है। वेला उसकी बातें सुन लेता है। जापान भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि खीमती वेला की बातें कर रहा है। उसे शक होने लगता है कि उनके बीच कुछ तो ज़रूर चल रहा है। अगले दिन क्लास में वेला ने बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया होता है, इसलिए टीचर उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद टीचर वेला को सभी स्टूडेंट को सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए देने को बोलते हैं। वेला खीमतीद को जब फॉर्म देने की कोशिश करता है, तब खीमतीद बिना उससे कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वेला को उसका इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बार में सभी लोग नोटिस करते हैं कि आज वेला का मूड खराब है, पर उसे कोई कुछ नहीं बोलता है। सभी के जाने के बाद खीमतीद वेला के पास आता है और उससे सर्वे फॉर्म मांगता है। उसने वेला को कॉलेज में इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि वेला ने ही उसे कॉलेज में बात करने को मना किया था। वेला अपने सेल्फ से फॉर्म निकाल रहा होता है कि तभी खीमतीद उसके सेल्फ से कॉम्ब लेकर उसमें परफ्यूम छिड़कता है और वेला के बालों को कॉम्ब करने लगता है ताकि आज पूरी रात वो उसे स्मेल कर सके। ये सुनकर वेला ब्लश करने लगता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वेला और खीमतीद के बारे में पता करने के लिए जापान डीप नाइट क्लब के बाहर पहुँच जाता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो अंदर जाए कैसे, क्योंकि अंदर जाने के लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे और उसके पास पैसे हैं नहीं। जापान ताका झाकी कर ही रहा होता है कि तभी सेजी उसे ये सब करते हुए पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाकर पूछता है कि वो कौन है और किस क्लब वाले ने उसे भेजा है। जापान घबराने लगता है, उसकी नज़र जॉब वाले पैम्पलेट पर जाती है, इसलिए घबराहट में वो झूठ बोल देता है कि वो यहाँ जॉब के लिए आया है और उसके पास काम का एक्सपीरियंस भी है। जापान उसे अपने काम का डेमो देने लगता है। जापान को पकड़ने के चक्कर में सेजी उसके ऊपर गिर जाता है और उनके लिप्स एक दूसरे से टच हो जाती है। जापान सेजी पर गुस्सा करने लगता है ये बोल कर कि उसने उसे किस किया, जबकि सेजी का कहना होता है कि इसे किस नहीं कहते। वो लोग बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस फिराया वहाँ आ जाती है। जापान मिस फिराया को देख कर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा फैन है। जापान मिस फिराया के साथ फ़ोटो भी खिंचवाता है। उसके बाद मिस फिराया को जब पता चलता है कि जापान यहाँ जॉब के लिए आया है, तो वो उसे आज से ही काम पर रख लेती है। मिस फिराया के जाने के बाद जापान जानबूझकर सेजी के पैर पर मारकर चला जाता है। सेजी उसके जाने के बाद अपने लिप्स को टच करके स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ क्लब में बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर मिस रोज अपना ब्लॉग बनाते हुए एंटर करती है। खीमतीद उसे वीडियो लेने के लिए मना करता है क्योंकि क्लब के अंदर वीडियो लेने की मनाही होती है, पर रोज उसकी बातें नहीं सुनती, इसलिए वो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। तभी दाई भी रोज से मिलने आता है। आज की रात के लिए रोज का होस्ट वेला होता है। दाई रोज को वेला की वीडियो लेने के लिए मना करता है क्योंकि यहाँ का रूल है कि क्लब के किसी भी होस्ट की फोटोज या वीडियोज नहीं ली जा सकती है, पर रोज उसकी बात भी नहीं सुनती है। वो लोग उसे नाराज नहीं करना चाह रहे होते, इसलिए उसे मनमानी करने देते हैं। रोज वेला का वीडियो बना लेती है और अपने ब्लॉग में उसका चेहरा भी दिखा देती है। वेला रोज को उसके टेबल पर ले जाता है, जहां वो रोज से वीडियो से उसका फेस कट करने की रिक्वेस्ट करता है। रोज इसके लिए मान जाती है। उसके बाद रोज कहती है कि आज वो पूरी रात वेला को अपने साथ रखेगी, इसलिए वेला को उसके साथ पूरी रात ड्रिंक करना होगा, जिस पर वेला कहता है कि गेस्ट उन्हें फी के तौर पर ड्रिंक दे सकते हैं, पर वो इतनी ड्रिंक नहीं पीता है। पर रोज कहाँ किसी की बात सुनती है, वो जबरदस्ती वेला को ड्रिंक कराने लगती है। खीमतीद को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो सेजी से पूछता है कि क्या ये सब नॉर्मल है। सेजी खीमतीद को चिंता नहीं करने को बोलता है क्योंकि होस्ट को जब ड्रिंक करने का मन नहीं होता है, तो वो उनके गार्ड को सिग्नल दे देता है। गार्ड तुरंत कस्टमर को वहाँ से ले जाते हैं। खीमतीद से ये सब और नहीं देखा जाता,
इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो जापान से टकरा जाता है। जापान को वेटर के कपड़ों में देख कर खेमते चौंक जाता है। खेमते उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उल्टा जापान ही उससे ये सवाल करने लगता है। फिर वो खेमतिन को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले उसे और वीला को यहाँ देख लिया था, इसलिए वो उनके बारे में पता करने आया था। जापान को जब पता चलता है कि वीला यहाँ पर होस्ट है तो वो बहुत चौंक जाता है। अब उसे समझ में आता है कि खेमती सुबह जिस मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहा था वो ये क्लब ही है। खेमती जापान को घर जाने को कहता है पर जापान मना कर देता है, क्योंकि अगर खेमती वीला से दोस्ती करना चाहता है तो वो भी वीला को दोस्त बनाना चाहता है। इधर रोज वीला को उसकी फोटोज और वीडियोज लीक करने की धमकी देकर कुछ ज़्यादा ही पिला देती है। दाई वीला से बारे में पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं, वो रोज को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, पर रोज की धमकी की वजह से वेला दाई को सिग्नल नहीं दे पाता है, इसलिए दाई को वेला के पास जाकर पूछना पड़ता है। वेला चाहकर भी मना नहीं कर पाता है। इधर सेजी भी एक लड़की के साथ बिजी होता है कि तभी जापान उस लड़की का ड्रिंक लेकर आता है। जापान अनजाने में उस ड्रिंक का नाम गलत ले लेता है। सेजी ड्रिंक का सही नाम लेकर उसकी मदद करता है। जब जापान देखता है कि वो लड़की उस पर हंस रही है तो वो बाहर आके हर एक ड्रिंक का नाम पढ़ने लगता है और उसे याद करने लगता है। सेजी उसके पीछे पीछे आता है और ड्रिंक का सही नाम लेने में उसकी मदद करता है और साथ में उसका मजाक भी उड़ाता है कि जिस तरह जापान ड्रिंक के नाम पढ़ रहा है इससे तो उसे किसी लोकल लिकर शॉप में जॉब करनी चाहिए थी। सेजी जापान को उसे थैंक यू बोलने को कहता है क्योंकि अंदर उसने उसकी मदद की थी, पर जापान को लगता है कि सेजी ने उसे किस किया था इसलिए अब वो लोग बराबर हो गए हैं। सेजी जापान के करीब आकर कहता है कि अगर वो जानना चाहता है कि असली किस किसे कहते हैं तो वो उसे किस करके दिखा सकता है। सेजी जापान के करीब आने लगता है। वो लोग किस करने ही वाले होते हैं कि तभी केन वहाँ आ जाता है। जापान जल्दी से अंदर चला जाता है। सेजी भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। जापान रोज का ही ऑर्डर लेकर जा रहा होता है। जब वो अपने फ़ोन पर रोज का बिल देखता है तो वो समझ जाता है कि अगर वीला ने ये सारी ड्रिंक की होगी तब वो चलने की हालत में भी नहीं होगा। वो जल्दी से खेमतीत को बिल की फोटोज भेज देता है। खेमतीत जैसे ही जापान का मैसेज देखता है वो भागकर वेला के पास जाता है और जैसा कि उसने सोचा था वेला सच में चलने की हालत में भी नहीं होता है, वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता है। दाई खेमतीत को वेला के पास जाने के लिए मना करता है क्योंकि अभी तक वेला ने उन्हें बीच में इंटरफेयर करने का सिग्नल नहीं दिया था, पर खेमतीद उसकी बात नहीं सुनता और वेला के पास जाता है। रोज खेमतीद पर गुस्सा करने लगती है और फिर से वेला का अपने फ़ोन में फ़ोटोज दिखाकर उन्हें डराने लगती है। खेमतीद रोज का फ़ोन लेता है और उसे पानी में डाल देता है और प्रॉमिस करता है कि वो कल सुबह उसके घर नया फ़ोन भिजवा देगा, क्योंकि उनके क्लब की स्कीम चल रही है कि आज टेबल बुक करवाने पर कस्टमर्स को नया फ़ोन दिया जाएगा। रोज गुस्से में उन्हें धमकी देने लगती है कि वो उनके क्लब को बर्बाद कर देगी, पर खेमतीद इसे इग्नोर करके वेला को वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद जापान टेबल क्लीन कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक अनटच्ड ड्रिंक मिलती है। जापान बस उसे टेस्ट करना चाह रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पीता है वो तुरंत ही वहाँ बेहोश हो जाता है। सेजी तुरंत उसके पास आता है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है। खेमतीद को वेला के घर का एड्रेस पता नहीं होता इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है। वेला को बेड पर लेटाने के बाद खेमतीद जल्दी से अपनी माँ की सारी फोटो छुपा देता है ताकि वेला को उसकी माँ के बारे में पता ना चल पाए। वेला नशे में खेमतीद के करीब आने लगता है और उसे किस करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी मिस फेराया उसके कमरे में आ जाती है। वो खेमतीद को नीचे बात करने के लिए ले जाती है और समझाती है कि आज जो भी उसने क्लब में किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। भले ही वो वेला की मदद कर रहा था फिर भी उसे इस तरह रोज का फ़ोन खराब नहीं करना चाहिए था। मिस फेराया को पता होता है कि रोज ने वेला को धमकी दिया था इसलिए उसने फ़ोन से वेला की सारी तस्वीरें डिलीट करवा दी है और कल रोज को नया फ़ोन भी भेजने को बोलती है। खेमतीद अपनी माँ को थैंक यू बोलता है। मिस फेराया खेमतीद से प्रॉमिस करवाती है कि अगर अगली बार से ऐसा कुछ भी होगा तो वो सबसे पहले उन्हें बताएगा ना कि खुद हैंडल करेगा। उसके बाद वो वेला को गेस्ट रूम में ट्रांसफ़र करने को कहती है पर खेमतीद मना कर देता है और अपने कमरे में वापस आता है।
वेला उस वक्त बिना दरवाजे बंद किए वॉशरूम में नहा रहा होता। वेला को इस तरह देखकर खेमतीद अपनी नजरें घुमा लेता। ये देखकर वेला स्माइल करता है और खेमतीद को अंदर खींच लेता। वेला वापस से नशे की हालत में खेमतीद को इंट्रोड्यूस करने लगता। फाइनली जब खेमतीद से कंट्रोल नहीं होता है तो वह वेला को किस करने लगता। अगली सुबह वेला की पहले नींद खुलती है। खेमतीद को अपने बगल में देखकर वो डर जाता। उसे याद नहीं होता कि कल रात उन लोगों ने क्या किया है। उसे इस तरह क्लूलेस देखकर खेमतीद को बहुत मजा आता है। खेमतीद का कमरा देखकर वेला को समझ नहीं आता है कि जब खेमतीद इतना अमीर है तो उसे इतनी छोटी सी जॉब करने की क्या जरूरत है। खेमतीद झूठ बोलता है कि वो एक्सपीरियंस लेने के लिए काम कर रहा। उसके बाद खेमतीद वॉशरूम में चला जाता है। वेला खुद को चेक करने लगता है कि कल रात उसने कुछ किया है कि नहीं। उसके बाद वो खेमतीद का कमरा देखने लगता है। वेला के ड्रॉर में मिस फेराया की फोटो से दिख जाती है। खेमतीद जल्दी से आकर उसके हाथ से वो फोटो छीन लेता है। खेमतीद ये सोचकर डर जाता है कि आज तो उसका सारा भांडा फूट गया। पर वेला ये समझ बैठता है कि खेमतीद शायद मिस फेराया का फैन है, इसलिए वो उनकी तस्वीरें अपने कमरे में रखता है। खेमतीद भी उसकी गलत फहमी दूर नहीं करता है और स्माइल करता है कि आज तो वो बिल्कुल बच गया। दूसरी तरफ सेजी सोते हुए जापान की अपने मोबाइल में फ़ोटो ले लेता है और उसे देखकर स्माइल करते रहता है। जापान की भी जब नींद खुलती है तो वो खुद को अनजान जगह पर देखकर घबरा जाता है। सेजी उसे कल रात की पूरी बात बता देता है कि उसे जापान के घर का पता नहीं पता था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आए। जापान को सेजी की ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो उसे काइंड कहता है। जापान के बाल बिखरे हुए देख कर सेजी उसके करीब आता है और उसके बाल ठीक करने लगता है। दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इससे पहले वो लोग किस करते, केन उनके लिए कुछ सामान लेकर वहां आ जाता और उनका मूवमेंट बिगाड़ देता है। इधर खेमतीद वेला को उसके घर ड्रॉप करने आता है। वेला खेमतीद को बाय बोलकर अपनी माँ के रेस्टोरेंट में मदद करने लगता है, जो उसकी माँ अपने घर के नीचे ही खोलती है। खेमतीद भी वेला के माँ के पास जाता है और खुद को वेला का दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो भी की मदद करने लगता है क्योंकि वहाँ कस्टमर्स बहुत बढ़ जाते हैं। काम के साथ साथ दोनों मस्ती भी करते हैं। काम खत्म करके खेमतीद बैठा ही होता है कि तभी वेला की माँ उसके लिए कुछ खाने को लाकर देती है। वेला की माँ खेमतीद को बताती है कि वो पहला इंसान है जिसे वेला घर लेकर आया है। उन्हें हमेशा से डर सताता था कि वेला का कोई दोस्त नहीं है। वो वेला को बस एक नॉर्मल टीनेजर की तरह लाइफ जीते हुए देखना चाहती है, लेकिन अगर वेला उन्हें ऐसे नहीं देगा तो उनका घर भी नहीं चल पाएगा, इसलिए वो चाहती है कि खेमतीद हमेशा वेला के साथ रहें। वेला की माँ से बात करके खेमतीद को पता चलता है कि वेला ने अपनी माँ को बताया ही नहीं है कि वो बार में होस्ट का काम करता है। उसकी माँ को लगता है कि वेला वहाँ काम करता है जहाँ कस्टमर्स उन्हें गिफ्ट खरीद कर देते हैं। खेमतीद को ये बात बहुत अजीब लगती है, पर वो उनकी गलतफहमी दूर नहीं करता है और उनके हाँ में हाँ मिलाता है। तुरंत ही रात हो जाती है। वेला खेमतीद को उसके कार तक छोड़ने आता है और आज उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। खेमतीद को जलन होती है कि वेला की माँ इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती है। वेला को पता होता है कि उसकी माँ ने खेमतीद से ज़रूर उसके जॉब के बारे में बात की होगी। खेमतीद उसे बता देता है कि उसने उसकी झूठ को एक्सपोज नहीं किया है। वेला उसके लिए थैंक यू उसे बोलता है। उसके बाद वेला फिर से खेमतीद से कल रात के बारे में पूछने लगता है कि कल रात किसने किसके साथ क्या किया, दोनों में से टॉप कौन था। खेमतीद बता देता है कि वेला टॉप था। वेला आखिरी बार खेमतीद को किस करके घर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जापान को एक दिन ही काम करके समझ में आ जाता है कि आखिर खेमतीद क्यों कॉलेज आकर हमेशा सो जाया करता था, पर इसके बावजूद भी जापान काम छोड़ने से बिल्कुल मना कर देता है। तभी वहां बाकी के सभी होस्ट भी आ जाते हैं। मिस फेराया भी वहां पहुंचती है और सबको गुड न्यूज़ देती है कि आज फ्राइडे की स्पेशल शो के लिए उनकी सारी टेबल बुक हो गई है। आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए वो उनको सभी को अच्छे से ख्याल रखने को कहती है।
अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो लोग गार्ड को, दाई को या फिर उसे बताएंगे। इतना कहकर मिस फेराया वहाँ से चली जाती है। जापान को समझ नहीं आता है कि फ्राइडे नाइट पार्टी में क्या होती है। केन उसे बताता है कि इस दिन उनके क्लब में स्पेशल इवेंट होती है और यहाँ ऑक्शन होस्ट भी होता है। जापान को ऑक्शन होस्ट का मतलब नहीं पता होता, इसलिए वो और खेम तिट गूगल करके चेक करते हैं। जहाँ जब वो उसका मतलब देखता है तो जापान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्लब में फ्राइडे नाइट पार्टी काफ़ी धूमधाम से चल रही होती है। होस्ट के परफॉर्मेंस के बाद ऑक्शन होस्ट की भी बारी आती है, जहाँ सभी होस्ट को स्टेज पर खड़ा किया जाता है और एक एक करके सभी की बोली लगती है। फर्क बस इतना होता है कि आज रात के लिए होस्ट को पाने के लिए लोगों को ड्रिंक्स के पैसे देने होंगे। जो जितने पैसे देगा होस्ट उनके झोली में आएगा। केन के लिए 300 ड्रिंक्स की बोली लगती है और सेजी के लिए 500 ड्रिंक्स की बोली लगती है। जब वेला की बारी आती है तो सभी लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाने लगती हैं। इससे पहले वेला की बोली लगती, जापान दाई के पास एक मैसेज लेकर आता है कि एक वीआईपी गेस्ट ने वेला को 1000 ड्रिंक्स में बुक कर लिया है। जापान वेला को वीआईपी गेस्ट से मिलवाने के लिए बाहर ले जाता है। वेला को आज रात के लिए जिसने बुक किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि खेमतिद होता है। खेमतिद को देखकर वेला स्माइल करता है और उससे पूछता है कि क्या आज रात वो काम पर नहीं है। खेमतिद बताता है कि आज उसने छुट्टी ली है क्योंकि वो कुछ और करना चाहता है। उसके बाद वो वेला को फ्लावर्स देता है। खेमतिद वेला को अपने कार में बाहर ले जाता है, जहाँ वो लोग एक दूसरे को किश करते हैं। उसके बाद वो लोग पूरी रात साथ में यहाँ वहाँ समय बिताते हैं, चर्च भी जाते हैं। वेला बहुत इंजॉय करता है। इधर शेजी को कस्टमर्स के साथ देखकर पता नहीं क्यों पर जापान को बहुत बुरा लगता है। वो बाहर उदास होकर बैठ जाता है। शेजी भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे पूछता है कि वो मुंह फुलाकर क्यों बैठा हुआ है। शेजी जापान के पास आकर बैठ जाता है, जिससे जापान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जापान शेजी से कहता है कि जब वो पहली बार शेजी से मिला था तब शेजी उसे बहुत रूड लगता था, पर अब वो बहुत काइंड है। वो जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो शेजी उसकी हेल्प करता है और शेजी गेस्ट को भी बहुत अच्छे से अटेंड करता है। तभी तो वो इस क्लब में दूसरे नंबर पर है। शेजी उदास हो जाता है क्योंकि वो दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि पहले नंबर पर रहना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि वो एक दिन पहले नंबर पर जरूर आएगा। जापान को भी शेजी पर पूरा भरोसा होता है कि वो ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ खेमतिद और वेला अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। खेमतिद हिचकिचाते हुए सही पर वेला को बता देता है कि मिस फेराया उसकी माँ है। वो उसे ये सच छुपाने के लिए माफ़ी भी मांगता है, पर वेला को ये बात पहले से ही पता चल चुकी होती है क्योंकि खेमतिद की बचपन की फ़ोटो मिस फेराया से बहुत मिलती थी और उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी एक जैसी है। उसके बाद वेला खेमतिद को एक मैसेज दिखाता है जिसमें उसने उस ड्रिंक्स के पैसे लेने के लिए कैंसिल कर दिया है जो खेमतिद ने उसे आज बुक किया होता, क्योंकि वो खेमतिद के साथ काम की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से समय बिताना चाहता है। वेला आज बहुत खुश होता है, दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बात सिर्फ किस तक ही आकर नहीं रुकती है, वो लोग कमरे में भी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी दौरान खेमतिद और वेला के फ़ोन पर डीप नाइट क्लब के ग्रुप पर बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। दरअसल हुआ ये होता है कि अचानक डीप नाइट क्लब में पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस सभी कस्टमर्स को लाइन से इकट्ठा होने को कहते हैं। उनमें से एक लड़का लाइव चला जाता है और लोगों को क्लब के अंदर का माहौल सुनाने लगता है। साथ ही साथ जो लोग अभी इस क्लब में आने वाले हैं उन्हें वो नहीं आने की सलाह देता है। ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँच जाती है। मिस फेराया भी वीडियो देख लेती है। वो थोड़ी देर सोचती है, उसके बाद तुरंत किसी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो अभी फ्री है। अगले दिन तक मामला शांत हो जाता है। जापान खेमतिद को बताने लगता है कि लगभग 100 पुलिस वाले बार के अंदर घुस गए थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने के चक्कर में एक दूसरे से टकराने लगे थे।
कुंती जापान से पूछता है कि क्या उसने अपनी आंखों से ये सब देखा था, जिस पर जापान बताता है कि उसने लोगों के मुंह से ये सब सुना है। उस वक्त वो तो सेजी के साथ बाहर था। खेमती उसे लुक्स देकर उससे पूछता है कि वो सेजी के इतने करीब कब से हो गया। जापान हड़बड़ाकर इनकार करता है कि वो सेजी के उतने भी करीब नहीं है, पर खेमती उसे टीज करना बंद नहीं करता। उसी वक्त वीला वहाँ आ जाता है, जिससे जापान खेमतीद के मस्ती से बच जाता है। खेमतीद जानबूझकर जापान को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है ताकि वो वीला के साथ अकेले में कुछ बात कर पाए। वो बार बार जापान से झूठ बोलता है कि दाई उसे बुला रहा है। जापान देर से ही सही, पर खेमतीद का इशारा समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। खेमतीद वीला से पूछता है कि वो कैसा है, क्या वो काम कर पाएगा। अगर उससे काम नहीं होगा तो वो दाई से उसके लिए बात कर सकता है। वीला उसकी बातों का सारा मतलब समझ रहा होता है, फिर भी वो उससे पूछता है कि वो काम क्यों नहीं कर पाएगा। तभी दाई वीला को बुला लेता है। इधर केन सेजी के लिए फूड सर्व करता है जो उसकी दादी ने उसे भेजा हुआ था। सेजी केन से कल रात क्लब में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पूछता है। केन बताता है कि पुलिस आई तो थी, पर वो बिना इन्वेस्टिगेट किए ही चली गई थी। सेजी को लगता है कि किसी ने उन्हें परेशान करने के लिए ये किया है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्लेट से फूड चोरी करके खाने लगते हैं और एक दूसरे को उनके फनी नाम लेकर चिढ़ाते हैं। इसी खींचतानी में सेजी केन के थोड़े करीब चला जाते हैं। उसी वक्त जापान वहाँ टपक जाता है। उन्हें इस पोजीशन में देखकर वो उन्हें गलत समझ लेता और वहाँ से जाने वाला होता है कि सेजी तुरंत उससे कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। जापान सेजी की बातों पर यकीन कर लेता है क्योंकि उसे वो बात याद रहती है कि क्लब के रूल के मुताबिक वो लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। उसके बाद सेजी जापान को उनके साथ बैठाता है और खुद का प्लेट उसे खाने को देता है और खुद केन के प्लेट से खाने लगता है। ये सब देख कर केन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस फेराया फ्राइडे नाइट को इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद सभी गेस्ट को अच्छे से ख्याल रखने के लिए सभी को थैंक यू बोलती है। और रोज के इंसिडेंट के बाद से वो एक नया रूल बनाती है कि जब भी कोई गेस्ट अगर किसी होस्ट को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करेगा तो गार्ड बिना होस्ट के सिग्नल के भी तुरंत उनकी मदद करने जाएगा। मिस फेराया खेमतीद को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी ने ही उन्हें ये लूपहोल दिखाई थी, इसलिए आज से वो खेमतीद को ट्रैफिक असिस्टेंट के पोजीशन से हटाकर क्लब का पीआर बना देती है जो होस्ट और गेस्ट के बीच मीडियम का काम करेगा। उसके बाद मिस फेराया वहां से चली जाती है। वीला चुपके से खेमतीद को कॉन्ग्रेट्स करता है। सभी लोग अपने काम पर लग जाते। एक फीमेल गेस्ट सिर्फ और सिर्फ वीला के लिए ही क्लब आई होती है, पर खेमतीद उससे कहता है कि इस वक्त वीला अवेलेबल नहीं है। वो अपने क्लब के कुछ नए होस्ट को बुलाता है और उस लड़की को उनमें से किसी को चुनने को कहता है। इधर वीला ऑलरेडी एक नए गेस्ट के साथ बैठा हुआ होता है। उस गेस्ट को कई महीनों तक इंतजार करने के बाद फाइनली आज वीला के साथ समय बिताने का मौका मिल ही जाता है। अपने काम की वजह से वीला को उस गेस्ट से चिपक कर बैठना पड़ता है, हंस हंस कर बातें करना पड़ता है और उसे अपने हाथों से ड्रिंक भी पिलाना पड़ता है। उन दोनों को इतने करीब देखकर खेमतीद को बहुत जलन होती है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वीला को भी एहसास हो जाता है कि खेमतीद को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। वो गेस्ट वीला से पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं। वीला ना बोलता है और देखा जाए तो ये सच भी है, वो और खेमतीद अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। गेस्ट को बताता है कि इस काम में उन्हें डेट करने की इजाजत नहीं है। गेस्ट भी इस बात को समझ पाता है क्योंकि अगर वो वीला का बॉयफ्रेंड होता तो वो भी उसे किसी और के साथ नहीं देख पाता। वीला वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर खेमतीद के पास आता है। खेमतीद वीला के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है और एक्सेप्ट करता है कि उसे जलन हो रही थी। उसका मन वीला को कहीं लॉक करने का होता है। वीला खेमतीद से सवाल करता है कि वो लोग कौन है, उसे जलन क्यों हो रही है, जिस पर खेमतीद वीला से पूछता है कि क्या वो लोग कुछ बन सकते हैं। वीला इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। तभी दाई वीला को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। वीला जल्दी से खेमतीद को छुपाता है और खुद दाई के साथ बाहर आता है। खेमतीद को ढूंढते हुए जापान भी उसके पास आता है। खेमतीद जापान से झूठ बोलता है कि वो वॉशरूम में था। उसके बाद वो भी बाहर आ जाता है। क्लब के अंदर दो लड़कियां बील ड्रामा की बहुत बड़ी फैन होती है, इसलिए वो सेजी और केन को कुछ पोजेस देने को बोलती है और उनका एक साथ
साथ फोटो लेती है। वहीं से मिस फेराया गुजर रही होती है। वो लड़की मिस फेराया के भी बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, इसलिए वो उनसे फ़ोटो खिंचवाती है। उसके बाद वो उन्हें बताती है कि उनके क्लब में पुलिस आने की खबर सुनने के बाद वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर यहाँ आने के बाद उन्हें यहाँ पर बहुत सेफ फील हो रहा है। मिस फेराया के जाने के बाद वो लुकेन और सेजी को कुछ कपल्स वाले पोज देने को कहती है। सेजी को तो ये सब करने का मन नहीं होता है, पर केन उन कस्टमर्स को नाराज नहीं करना चाह रहा होता है, इसलिए वो सेजी के साथ बील एक्टर्स की तरह एक्ट करने लगता है, जिसे देखकर वो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। सेजी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, इसलिए वो आगे ये सब करने के लिए मना कर देता है और बाकियों के लिए क्यूट हर्ट पोजेस देता है। वेला उस गेस्ट के पास वापस आता है। गेस्ट वेला के शर्ट के बटन्स खोलने की कोशिश करने लगता है। खेमती ये चीज़ देख लेता है, उसे फिर से जलन होने लगती है, इसलिए वो गुस्से में बाहर आ जाता है। जेम्स जो कब से ये सब देख रहा था, वो खेमती के पीछे पीछे आता है और खेमती से कहता है कि वेला इस क्लब में नंबर 1 है, इसलिए उसे इस तरह देखना उसके लिए मुश्किल तो होगा ही। खेमती को ताजुब होता है कि जेम्स उसकी फीलिंग्स कैसे समझ पा रहा। जेम्स खेमतित से कहता है कि जब वो स्टेज पर रहता है तो वो सब कुछ देख पाता है। खेमतित कहता है कि वेला उसका बॉय है, इसलिए जब वो गेस्ट वेला को हर जगह से छू रहा था तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। जेम्स अब उसे समझाता है कि आखिर क्यों उनके क्लब में डेटिंग अलाउ नहीं है। यहाँ के होस्ट को कस्टमर को खुश करना पड़ता है, उनके डिमांड्स पूरे करने पड़ते, तो कोई भी बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर को दूसरे के इतने करीब जाते देखेगा कैसे। जेम्स की बातें सुनकर खेमतित को लगता है कि शायद जेम्स को इस चीज की आदत है। जेम्स खेमतित से कहता है कि ऐसे लड़के से प्यार करना जो ये काम करता है, उसके लिए खेमतित को अच्छे से सोचना चाहिए। तभी ग्रेट वहां आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हैं। जेम्स और खेमतित बिना कुछ कहे अंदर आ जाते हैं, जहाँ खेमतित की नजर फिर से वेला और गेस्ट पर जाती है। गेस्ट वेला के नेक पर किसका मार्क दे देता है। खेमतित अगेन गुस्से में बाहर आ जाता है। वेला भी फिर से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर खेमतित के पास आता है। खेमतित गुस्से में उससे कहता है कि वो गेस्ट को छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है। वेला खेमतित का हाथ लेकर किस मार्क को मिटाता है और खेमतित को गुस्सा करने के लिए मना करता है, पर जब खेमतित गुस्सा करना बंद नहीं करता है तो वेला उसे किस करने लगता है। खेमतित वेला को धमकी देता है कि अगर आज वेला ने उसे फिर से जेलस फील कराया तो वो उसे पनिश करेगा। उसके बाद वेला वापस से गेस्ट के पास जाता है। इस बार उसके शर्ट के सारे बटन्स बंद होते हैं। तभी जेम्स अनाउंस करता है कि आज के लकी गेस्ट को सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे होस्ट अटेंड करेंगे। वो लकी गेस्ट कोई और नहीं बल्कि वेला का गेस्ट होता है। ये सारा प्लान खेमतित का ही होता है ताकि वो वेला को उस गेस्ट से दूर रख सके। काम खत्म होने के बाद सभी लोग एक साथ होते हैं। ग्रेट सभी के साथ मिलकर सेजी का मजाक उड़ाता है और उसे गाल पर हॉट बनाकर पोज देने को बोलता है। सेजी उन पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अभी वहाँ पर सिर्फ वेला और खेमतित ही बचे होते हैं। खेमतित कुछ अधूरे काम पूरे कर रहा होता है। उसके बाद वो वेला को याद दिलाता है कि उसने आज के लिए अभी तक उसे पनिश नहीं किया है। वेला बदले में खेमतित से पूछता है कि वो उसे कैसे पनिश करने वाला है। खेमतित पहले यहाँ वहाँ देखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो लोग अकेले हैं तो वो वेला को किस करने लगता है। उसके बाद वेला खेमतित से फिर से वही सवाल करता है कि खेमतित किस हक से जेलस हो रहा, आखिर वो लोग क्या है। खेमतित वेला को उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछता है और अगर वेला चाहे तो वो इस बात को सीक्रेट भी रख सकता है। वेला मान जाता है तो आज से वो लोग डेटिंग ना करने वाली रूल को तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं।